Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी नसीब आलम की रैली ने सभी के होश फाख्ता कर दिए हैं। कस्बे वासियों ने अब की बार नसीब आलम को जिताने का मन बना लिया है। वैसे तो शाहजहांपुर नगर पंचायत में पूर्व चेयरमैन तबारकुल्ला खान, वसी खान, आयाज खान, भाजपा के नवनीत अग्रवाल और सपा के नसीब आलम खान चुनाव मैदान में उतरे हैं और ये सभी जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है और जीतने की संभावना नसीब आलम खान पर जताई जा रही है, क्योंकि आम जनता के साथ साथ बसपा कैंडिडेट तबारकुल्ला खान के साले शोएब खान ने भी तन मन धन से सपा के नसीब आलम खान को समर्थन देकर बसपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस रैली में जगह जगह समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर नसीब आलम को समर्थन दिया। पदयात्रा देख सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम था, अब की बार नसीब आलम को ही चेयरमैन बनाएंगे और सपा को जिताएंगे। सुनिए रैली के दौरान नसीब आलम ने मीडिया से क्या कहा। अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं वो सब मेरे साथ हैं। मोहब्बत करने वाला खुदा का शुक्र है एक नहीं है। आपने अभी थोड़ा सा देखा भी होगा, ये पदयात्रा थी हमारी। इस पदयात्रा में सारे शाहजहांपुर को पता लग गया होगा कि इंशाल्लाह जीत इस बार नसीब आलम चाचा की होगी। पिछले दो चुनाव हार गया था, तो जाहिर है जब हार कर आता है बड़ी तकलीफ़ होती है, दिल भी रोता है अंदर से, लेकिन इस बार अल्लाह का शुक्र है दिल भी मगन है। मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त, मेरे साथी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ हैं और कभी कभी मेरी जेब में पैसा भी नहीं होता। खुदा का शुक्र है, बाखुदा मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये मेरे इतने बड़े वाले हमदर्द हैं। मैं सुबह को जब जेब खाली भी होती है तो सब आकर भर देते हैं मेरी, अल्लाह का शुक्र है। अब से पहले भी दो इलेक्शन लड़े हैं, दोनों हार गया था, वो अल्लाह की मर्ज़ी थी। मैंने हर बार कहा है कि इस शाहजहांपुर के लिए एक खूबसूरत ग्राउंड ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। कल समस्याएं, सबसे पहले तो मुमताज़ भाई ने बताया पानी की ही समस्या है, जिससे कैंसर रोग के यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे शाहजहांपुर में। इसके बाद इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है। हम कोशिश करेंगे अगर अल्लाह ने जीत दी तो इसको शाहजहांपुर को दिया जाए।